ओवैसी ने कर दी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। ओवैसी के बयान ने आसान कर दी वक्फ बोर्ड संशोधन की राह। 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर इस समय देश में काफी चर्चा है और एक वर्ग पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे भी वक्फ बोर्ड के संशोधन को रोक दिया जाए। लेकिन इसी बीच ओवैसी ने ये बड़ा बयान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और जाहिर कर दिया है कि आखिरकार ओवैसी और उनके समर्थक वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध क्यों कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हजारों मुस्लिम QR कोड स्कैन करके वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने पूरी जान लगा दी है कि वक्फ संशोधन बिल पास ना हो पाए, मगर इसी बीच AIMIM नेता ओवैसी ने जोश जोश में एक बड़ी गलती कर दी है और पहली बार ओवैसी का ये बयान सुन हिंदू खुश हो जाएंगे और मुस्लिम परेशान। ओवैसी वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे थे, मगर उनके मुंह से एक ऐसी सच्चाई निकल गई जो मुस्लिम पक्ष को बहुत महंगी पड़ सकती है। ओवैसी ने सबसे पहले तो दावा किया कि अगर वक्फ बिल कानून बन जाता है तो मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान जैसी जगह मुसलमानों से छीन ली जाएंगी। लेकिन इसी कड़ी में ओवैसी ने एक ऐसा आंकड़ा दे दिया जो मुसलमानों के लिए जी का जंजाल बन सकता है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से 1,12,000 संपत्तियों के कागज या दस्तावेज मौजूद भी नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास ऐसे कोई कागज नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि 1,21,000 में 1,12,000 संपत्तियां उसकी हैं। कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियार ही नहीं होगा कोई। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ओवैसी ने गलती से सच बोल दिया है। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास कागज मिल ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर संपत्तियों पर तो इन्होंने कब्जा किया है। अब ओवैसी के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अपने जोश और आक्रोश, बड़बोलेपन और हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले ओवैसी की ये गलती कहीं मुस्लिमों को भारी न पड़ जाए और खास तौर पर जिस प्रदेश को उन्होंने जिक्र किया है वहां दांव उल्टा न पड़ जाए। अब ये तो जांच का विषय है, तभी पता चलेगा कि ओवैसी के मुंह से सच निकल गया या वाकई ये सच ही था। फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है और ओवैसी को लोग खूब टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ओवैसी के मुंह से निकली ये बात वाकई सच है या फिर जबान फिसलने का नतीजा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।